ना जो मम्मी गाड़ी में चली हूँ मैं, और देखो इस वाले ड्राइवर ने ना मुझे ब्रेक लगा के उतार दिया और बोला चल भाग हमारे घर की बस हमारे घर के ठीक है। जमीन हमारी है यहाँ पे, गाड़ी तुम्हारी है तो अब चलो ईशा अब चलो यार अब नहीं गाइस सोनू आ गया, ये मेरा भतीजा है वैसा, बड़े भाई का छोटा लड़का सोनू, असली सोनू ये डुगू का असली सोनू ये है लेकिन डुगू ने नाम रख रखा है इधर सोनू, लेकिन असली सोनू ये है। गाइस देखो भर के लेके जा रही है सामान देखो तीन पन्नी आ रही, दो पन्नी इधर ली, अभी तो पता नहीं क्या क्या भर लेगी। जाने की तैयारी हो चुकी है और सामान भरने लग गए थे। चलो गाड़ी घुमाओ अब जाओ। बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा। ओ तेरी टाइगर सबसे पहले जा बैठी हो। अरे वारे भांडिया, मतलब इतना स्वार्थी कब से बन गया तू? चलो जाओ ना, ठीक है। तो गाइस हम रात के कितना टाइम हो गया, 8:30 हो गए और अभी हम निकल रहे हैं गांव के लिए। तो हमारा मनीष जा रहा है हमारे साथ क्योंकि ना फाटक वहाँ पे खोल के और फिर ये बंद करके आएगा। तो गाइस है ना आपको मैं बताऊँ, निकल तो ससुराल के लिए रहे कि ससुराल जाना है अभी रात को राजगढ़, लेकिन अभी ना ईशु के पापा का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। गया तुम तो चलो, जरूरी नहीं कहीं भी चलेंगे पर चलो बस अभी चलो। तो अभी हम जा रहे हैं और देखो ईशु, ईशा रमेश मामू पूछ रहा था क्या बोल रही है ये, क्या करूँ जाना तो पड़ेगा ही ना, जाना पड़ रहा है। चल फाटक खोल मनीष। गाइस ना आप मेरी वीडियो देखा करो, आपने ना मेरी वीडियो में ना एक सब आपने मेरी वीडियो में ना पूरे पूरे 1 मिलियन तो बिल्कुल नहीं करे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना मेरे चैनल को भी, फॉलो कर लो ना, प्लीज कर लो, प्लीज मनीष। हां फिर चलो आराम से। हां ते जो कटा जाओ मैं तेरे में पहुंच जाऊंगा, यहां का जो निकलेगा ना मशीन लग गई खेत में, तो जो निकलेगा तेरे में इन्हें लगा भी दीजो अंडे चा में खड़ा है, तू लगा दे आराम। ठीक है मनीष बाय। कई दिन रुक लिए हम यहाँ पे। तो गाइस अभी हम जो हमारा हमारे गांव घर के पास में जो बड़का पड़ा टोल टैक्स है ना वहाँ पे पहुंचे और यहाँ से हम दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे चढ़ चुके हैं। काफी रात में मतलब रात के टाइम में ये ट्रक वगैरह ज्यादा चलते हैं, ये देखो टोल टैक्स के, ये देखो दिल्ली बॉम्बे हाईवे का रात के टाइम पे पूरा व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो कितना सुंदर है। ये ट्रक ही ट्रक देखो गाइस, ट्रक ही ट्रक खड़े, एक भी गाड़ी नहीं है, सारे ट्रक ट्रक। बेटा इस पे ना बड़े साधन नहीं चलते, इस पे बाइक नहीं चलती ना, बाइक नहीं चलती, ट्रैक्टर नहीं चलते, जुगाड़ नहीं चलते, मतलब इस पे फोर व्हीलर और बड़े बड़े साधन चलेंगे, छोटे नहीं। तो गाइस यहाँ से दिल्ली आपको मैं दिखाती हूँ, 278 आगरा 278 जयपुर 102 किलोमीटर ईशा देख कहाँ पे आगे खड़ी हो जाए, चलो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग। तो गाइज रात को हम आ गए थे मामे ससुर के घर पे, मतलब लाला के घर पे। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, और गाइस ना आज ना हमारी दादी ना मेरे लिए इडली बना रही है। दादी आज हमारे लिए आज आप इडली बना रहे हो, इडली बना रहे हो ना, तो ये दादी कैसे लगी आपकी ये बताओ मुझे
दादी कैसे लगी? आपका क्या लगता है यहाँ पे ये बता? आपके बड़े मामा है यहाँ पे, क्या है? बड़े मामा तो ये है ना दादी है आपकी। ये बन रही थी इडली और चटनी खा पा रहे था दादी। ये है इधर चटनी और देखो कड़ी पत्ती, कड़ी पत्ता ये देखो, और ये क्या धनिया ना। हाँ और इसे इधर बन रही इडली, इडली का बैटर। हाँ आपको पता दादी जॉब करती है? अरे ये पता नहीं है, दादी से पूछो दादी आप किस में जॉब करते हैं? दादी आप किस में जॉब करते हो? बेटा मैं टीचिंग लाइन में। क्या? टीचर हूँ। अच्छा टीचर हो आप? जी टीचर है। अभी स्कूल नहीं जाओगे? जाना है ना। कब? आपकी ये खाना रेडी करके उसके बाद जाएंगे। अच्छा दादी आप कौन सी सब्जेक्ट की टीचर हो? मैं संस्कृत सब्जेक्ट की टीचर हूँ। अच्छा तो गाइस सुना भी थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, बाय। और देखो ये दादू है हमारा, देखो दादू है हमारा। तो गाइस सुना भी थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, जब तक हमारा खुले का सामान नहीं आ जाता, ठीक है बाय। तो गाइस सुना आज मैंने ले लिया पिचकारी और ये इधर में बुला रखा है हमारे लिए, और एक वो भी नहीं थी पापा, क्या थी डिब्बे सी थी ना कलर। हाँ कलर वो भी ले लिया ना, किसी को भी नहीं पता कि हमने ये लिया है ना, किसी को भी नहीं पता कि हमने ये लिया है ना। आज मैं चुपके चुपके जाएंगे और ना सास सबके ऊपर फेंकेंगे वाटर बैलून रंगों से भरने पिचका। तो ना गाइस ना रील भी बनाएंगे बहुत सारी। तो गाइस ना इस ब्लॉग का ना बस इस ब्लॉग को ना पूरा देख लो प्लीज, पूरा देख लो ना, और इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना और कमेंट भी करना कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है या अच्छा लगता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा लगता है मतलब मेरा मतलब कि थोड़ी सी मिस्टेक है तो हम उसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो वही ना आज मैं इस पिचकारी से उसको सबको ठीक करूँगी। तो वैसे ना भी बाद में मिलते हैं। तो हाँ आज तो मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं दुकान से ऐसी चीज लाई हूँ जो किसी को भी नहीं। क्या लिखा है? सच में बता दो। हाँ नहीं सच में क्या बता रहे हो? सच में बता दो क्या? नहीं 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 वो नहीं लिखा। क्या बात है, क्या बात है। अभी ना वो जूतों के रैक में रखी है। अच्छा हाँ अब बाद में कभी से फोन लिखेगी मुझे। कुछ भी नहीं लो एक बार और करो। कपड़ा मत करो मारोगे क्या? ये सुख कपड़ा मत करो। इधर 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 साइड नहीं मुझे नहीं मुझे अभी नहीं है अभी नहीं। खुद ही लगा रही है इसको, क्या कलर नहीं लगा रहा मैं घर को मेरे इधर लगा दो ईसा तू हट जा तेरी मैं भर पेंट है
अब चलो ये क्या हो रहा है? मैं पापा का खुशी का कड़ी हैं ये अब होता है भूमि अभी तो नहीं बोलता ठीक है मैं तो खेल ही रही थी मैंने तो ये क्या कर रहा है ईसा नहीं ये इसको नहीं लगाना ये गलत बात ये टी-शर्ट मेरी नहीं है टी-शर्ट पे देख मेरे कपड़ों देख कपड़े हैं पीछे एक मिनट एक मिनट भूमि 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 कपड़ों को उठा इसे तो गाइस ये देखो इडली बन चुकी है ये नारियल की चटनी ये सांभर और इधर ईशु के पापा और ये हमारी भूमि भूत बन रही है भूत है और ये भी भूत है अभी तक भुक्कड़ हो क्या तुम दोनों है भाई बहन सेम सेम पहले का बेट भूत है फिर काम हाँ, हो जाए तक देख ले लाल हमारा देखो देवरिया इतना अच्छा है बेचारा नहा दो के हां इसी नहीं है तो फैलाया इसी नहीं है तू नहीं फैलाया पर करा तो तूने ये ना घर पर कहा भैया ने था मुझसे गाइस ये हमारी नानी 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 हम जाओ मैं तो निको मत दऊं लोटे बाय 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 तो गाइस जी हमें ना रात को मेरे घर से जब आए थे तो मैं मेरे मामे ससुर रहते हैं भुसावर में तो मामे ससुर के पास आ गए थे हम लोग तो मेरी मामे सास यहीं जॉब करती है टीचर है सेकंड ग्रेड की और मामा जी भी जॉब करते हैं वो भरतपुर में पोस्टेड है अभी तो हम लोग इधर ही आ गए थे बस वैसे ही मिलने तो बस उन बच्चों के साथ मामा मामी का जो बेटा था बेटी थी उनके साथ होली खेली मस्ती करी हम लोगों ने खूब और उसके बाद में हम नहा धो के हमारा प्लान नहीं था कि हम नहा धो के जाएंगे हमारा ये था कि हम बस खाना पीना खा के चले जाएंगे लेकिन जब होली खेल ली तो फिर नाना भी पड़ा तो डुगू ने सब ने खूब मस्ती करी और अब हम लोग गाँव जा रहे हैं मतलब ससुराल में तो गाइज आपको मैं बताऊँ मेरी मामे साथ टीचर है लेकिन अब वो 9:30 बजे ड्यूटी गई ना तो ड्यूटी जाने से पहले भी उन्होंने इतना सब कुछ मतलब हमारे लिए बनाया खिलाया पिलाया मतलब मन की बहुत अच्छी है गाइज सच्ची बताऊँ तो बहुत अच्छी है और दिल उसका साफ है और बहुत अच्छी है मेरी मामे सास बहुत प्यार करती है हमसे मतलब एक क्या ना एज ए फ्रेंड की तरह रहती है सास वाला सिस्टम नहीं है सास बहू की तरह हम नहीं रहते एक होता है ना कि अच्छी समझदार सब चीज़ें हैं और भाई आपको मैं क्या बोलूँ कि खाना बनाने में तो इतनी एक्सपर्ट है ना मामी कि आप कुछ भी बनवा लो और कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं लगेगा उसको कि कैसे बनाऊँगी ड्यूटी जाऊँगी इतनी बड़ी चीज़ मामा को पता है क्या क्या बनाना आता है किन्ने चूर्ण होटल में बनाते ना जैसे सब कुछ हाँ सब कुछ बना लेती है मामी और मैं ना भुसावर का मत और है ना गाई मेरी मामी सास ने मुझे ना अचार भी दिया नींबू का वो बहुत अच्छा अचार बनाती है बहुत अच्छा डालती है अचार नींबू का तो वो भी हम लेके आए और भुसावर का कलाकंद जो फेमस है यहाँ का भी बहुत अच्छा है मिल्क केक तो मामा ने वो भी मंगवा के दिया था हमें एक डिब्बा और मतलब अच्छे से खूब उनका भी बच्चों का भी मन लग गया हम भी अच्छे से खेल के आए उनके साथ होली तो हम लोग गांव में जा रहे हैं तो गाइस बने रहना ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं हम